मैं आज आपको बता रही हूँ उड़द की दाल का वड़ा या मेंदू वड़ा, जो साउथ की बहुत फेमस डिश है। इसके लिए मैंने लिया है उड़द दाल, सफ़ेद वाली दाल। ये 150 ग्राम दाल है, एक कटोरी। इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा है पानी में, और ये अच्छे से अभी फूल गई है। इसको हम ग्राइंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसमें मैं इसके साथ डालूंगी थोड़ा सा पोहा, जो मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। आप पोहे की जगह आप चावल का आटा या के बचे हुए चावल हों वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाता है ये। थोड़ा सा लहसुन, अगर आप गार्लिक नहीं खाते स्किप कर सकते हैं, काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक। ग्राइंड करके उसका पेस्ट बन गया एकदम फाइन। थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप थोड़ा बेसन ऐड करें, क्योंकि नमक डालने के बाद भी ये पतला होता है, इसलिए कम पानी में पीसने की कोशिश करें। हाथ पे पानी लगाते हुए इस तरह से रोल करके इसमें एक छेद करके बीच में ऑयल में छोड़ेंगे धीरे से। अगर थोड़ा भी तेज गिरा तो ऑयल स्प्लिट हो सकता है, हमारे ऊपर आ सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से। हम एक हाथ पे अपने फिंगर टिप पे थोड़ा सा दाल का आटा जो हमने बैटर बनाया वो ले सक लेके पानी, हमेशा जब भी आप वड़ा डालें हाथ को अपना थोड़ा गीला कर लें पानी से हल्का सा, और फिर वड़ा हाथ पे लें बैटर, और उसको अच्छे से रोल करते हुए इसमें अंगूठे की हेल्प से एक छेद कर दें, और देखिए किस तरह से छोड़ना है। देखिए इस तरह से, अगर आटा पतला हुआ तो बिल्कुल भी शेप नहीं आएगी इनकी। इसे जब भी मैं दाल पीसें तो ट्राई कीजिए कि बहुत कम पानी में पीसें, क्योंकि नमक डालते ही ये पतला होने लगता है। देखिए हमारे वड़े थोड़े थोड़े सिक गए हैं, हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो सकें, फ्राई हो सके अंदर भी। अगर हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे और ब्राउन कलर भी आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हमारे वड़े सिक गए हैं, इन्हें होल्ड करते हुए इनका एक्सेस ऑयल निकालेंगे और एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे इनको रखेंगे। वैसे तो ये वड़े ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते, और फिर भी एक्सेस ऑयल हो तो इस एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकल जाएगा। देखिए हमारे वड़े तैयार हैं, मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ सांभर के साथ और कोकोनट चटनी के साथ। कोकोनट चटनी की रेसिपी मैंने मेरी इससे पहली वाली वीडियो में इडली के साथ शेयर की थी, जब इडली बनाई थी। और अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, और सांभर की रेसिपी मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करती हूँ। खाने में ये बहुत ही यम्मी लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी। आप इन्हें प्लेन भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।